यदि प्रत्येक बड़े होकर आपके पास अपने जीवन का निर्वाह करने के योग्य न हो तो उनके प्रति माता पिता का क्या कर सके, उनको खाते या उनको छोटे माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र को योग्य बनाना। यदि पहले ही योग्य बनाने में उन्होंने शिथिलता की तो उनसे अपराध हुआ। लेकिन जब तक आप पुत्रादि को मैं और मेरा समझते हैं तब तक दंभन न्यास की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं और मेरा, मेरे पुत्र और मैं पुत्र का पिता, ये बुद्धि आपके बनी हुई है, उनमें ममता है, मोह है, तो जब तक मोह ममता है तब तक द्वाह के त्याग का कोई महत्व नहीं है। आप उनको मार्ग बताइए, उनसे उनके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करवाइए और स्वयं अपने कर्तव्य का पालन अपने अधिकारानुसार करते रहिए। संन्यास ग्रहण करना या त्याग करना ये सबके लिए आवश्यक नहीं है, ये तो विरक्त विषय है, जिसके चित्त में वैराग्य हो उसके लिए। यद हरे व विरजे तद हरे व प्रव्रजे, यदि आपके मन में मोह ममता कम हो तो आप आश्रम दृष्टि से क्रम संन्यास जैसे होता है उसे ले सकते हैं। लेकिन जब आपके मोह ममता है ही तो बाहर बाह्य त्याग की कोई अपेक्षा नहीं है, घर में रहकर भगवान का भजन कीजिए। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जो श्रौत स्वार्थ धर्मानुष्ठान के अयोग्य हैं उन्हीं लोगों के लिए संन्यास है, तो आपकी बात कोई नई नहीं है। ऐसी परंपरा भी सर्वदा से चली आई है कि लोग अंध हैं, पंगु हैं, कर्मान अधिकारी हैं, उनके लिए संन्यास है। परंतु ये तो न्यासेवाचरे जयत न्यासनेशाम तपसाम अतिरिक्त बाहु श्रुति में संन्यास का वर्णन है। और हमारे शास्त्रों में भी दो प्रकार के धर्म का वर्णन है, जैसे दूसरे मजहबों में सबके लिए एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही पद्धति है, वैसे वैदिक पद्धति नहीं है। वैदिक पद्धति में अधिकार के अनुसार मंत्र का जप, अधिकार के अनुसार इष्ट देवता की उपासना, अधिकार के अनुसार उपासना पद्धति, ये होता है। इसलिए संन्यास सबके लिए नहीं है। वैराग्य रागोपाधि ज्ञान आमनातो भय लक्षणा, धर्म दो के दो लक्षण है। वैराग्य जिसके हृदय में हो उसके लिए निवृत्ति प्रधान धर्म है, और राग जिसके अंतकरण में हो उसके लिए प्रवृत्ति प्रधान धर्म है। इसलिए यदि आपके चित्त में वैराग्य नहीं है तो आपको कोई बलात् को सन्यासी बनावेगा नहीं। और जब ये प्रपंच आपको काटने लगे और कष्ट देने लगे, जब इसके प्रति आपके हृदय में वैराग्य हो गए और नहीं होता है तो उसके लिए दुखी मत होइए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए। नाम सबसे बड़ी वस्तु है, वो आपके हृदय को शुद्ध करेगी। और भिक्षा देने का अधिकार भी सबको नहीं होता है। अप्रताश्चान धियाना यत्र भैक्षचरा दजा तम ग्रामम दंडयेद राजा चोर भक्त प्रदोहिता। अध्ययन करता हो तो ब्रह्मचारी भिक्षा ले सकता है, और यदि कोई व्रत ग्रहण किया हो तब वो भिक्षा ले सकता है, अथवा अन्यथा भिक्षा लेने का अधिकार सबको नहीं है,
बल्कि भिक्षा देने वाले के लिए भी दंड का विधान स्मृतियों में प्राप्त होता है। और नारी मुहे घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ते विप्रंसन पांव पुजावे उभय लोक निजात तथा। अब ये तो आप उन महात्माओं से ही पूछिए, मुझसे क्यों पूछिए नहीं। यदि आप किसी संघ विशेष का या वर्ग विशेष का या जो यहाँ के साधु हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए प्रश्न करते हैं तो आचार का वर्णन हमारे धर्म स्थान विद्या स्थान जो ग्रंथ है सभी में है। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग विस्तृता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश, ये सब आचार का प्रतिपादन करने के लिए कोई उसके लिए बौद्ध दल की स्थापना करने के लिए और कोई कर्म बल की स्थापना करने के लिए सभी शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम, मीमांसक लोग तो कहते हैं कि जिस शास्त्र से धर्माचरण प्राप्त नहीं होता है, क्रिया कोई नहीं होती है, वो निरर्थक है। तो फिर उसकी संगति बताई बुद्धिनाम सू। तो आचार तो है ब्राह्मण मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थावन चिंतय, ब्राह्म मुहूर्त में आप जगें और परमात्मा का चिंतन करके आज हमको क्या क्या धर्म करना है, क्या क्या अर्थ है, इसका भी चिंतन कर लें प्रातःकाल। और पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पृथ्वी देवी से प्रार्थना कर, हाँ, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में, उसके बाद नित्य कर्म करें, भगवान का स्मरण करें, यज्ञोपवीति हों, संध्या वंदन गायत्री जप आदि है, माता पिता का आदर है, मातृदेवो भव ये आचार्य है, पितृदेवो भव ये आचार्य है, आचार्य देवो भव ये आचार्य है, आचार है, अतिथि देवो भव ये आचार है। तो अपने अपने वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार भगवदर्पित भाव से निषिद्ध कर्म का परित्याग करके जो श्रुत्य विरुद्ध श्रुति ही श्रुत्य विरुद्धा स्मृति ही श्रुति स्मृति अविरुद्ध सदाचारा श्रुति स्मृति सदाचारा विरुद्धम आत्मन प्रिय, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ प्रियमात्मन
एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। आप अपने जीवन को धर्म के अनुकूल चलाइए और अपना जो परंपरागत जस्मिन देशे आचार पारंपरिक क्रमागत उसका पालन कीजिए। प्रसाद जी भी दिख जाते थे रामी के चेता मैदान के पास समिति का सरस्वती प्रेस विश्वविद्यालय में अयोध्या कर्मियों का अभ्यास पढ़ाते थे मुझे एक सोमनाथ ठाकुर जी को जो सेवा वाली सड़क पर बाबू भगवान नाथ गोपीनाथ परिवार की अब भूल गया सब इन लोगों के अपनी आशा हिंदी पर जो प्रभुत्व था और जो उत्कर्ष दे रहे थे हिंदी भाषा को उसका प्रभाव छोटी उम्र में ही नागरिक प्रचारण सभा में पत्र पत्रिकाएं पढ़ा करता था और शुक्ल जी का पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का विश्व प्रपंच जो हैदराबाद की रचना का मूल में तो उतना आनंद नहीं आया उनकी भूमिका जितनी पांडित्यपूर्ण नहीं अपनी रूप में सतानी उन्होंने वेदांत के अद्वैत सिद्धांत का कितना सुंदर प्रतिपादन उसने किया था। बालक होने पर भी हमको हृदयंगम होता जाता था। शुक्ल जी की कई रचनाएं कभी छोटे छोटे देश थे छोटे छोटे लोगों का आप समझ रहे थे बहुत बहुत छोटे 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 और मिर्जापुर में हमारे संबंध है पारिवारिक जया करता था वो वही उनके घर के पास ही अगली बाजार रमई करती गंगा जी का स्नान करने रमई करती अगली बाजार तो बनारस में दर्शन शास्त्र के जो उच्च कोटि के सिद्धांत हैं जो मनोविज्ञान और दर्शन उस समय हिंदी में नहीं आ रहे थे उस समय था मैंने पंडित रामावतार शर्मा जी का यूरोपीय दर्शन बीमारी प्रचारण से पहले से पढ़ता बाद में तो उसका रूपांतर देखा से जुड़ा कर दिया समझता कर दिया यूरोपीय दर्शन नागरिक प्रचारण सभा से और धर्मांतर से हमारे तरफ बहुत सी पुस्तकें मैंने पढ़ी और इनके द्वारा मैं समझता हूँ जैसे मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है ऐसी हजारों लोगों के ज्ञान में वृद्धि लाखों लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और इन संस्थाओं के द्वारा जो देश का आहित संपन्न होगा बड़े आदर की दृष्टि से उसको देखते हैं।
मुझे ये करने में कोई संकोच नहीं है। मैं मनुष्यों के अलग अलग गुण को इतना आदर करता हूं। संपूर्ण विश्व की मानवता एक है, सबका ईश्वर एक है और सबका धर्म एक है। राष्ट्र के भेद से धर्म का भेद हो जाता है या प्रांत के भेद से धर्म का भेद हो जाता है या जाति के भेद से धर्म का भेद हो जाता है या आचार्य के भेद से धर्म का भेद हो जाता है या परंपरा के भेद से धर्म का भेद हो जाता है। मेरी बुद्धि में वो धर्म है जिसका उपपद संस्कृत साहित्य में कहीं भी नहीं है, केवल धर्म के नाम से ही जिसका वर्णन है। यतो गुणेन श्रेयः सिद्धि स्वधर्म, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, ऐसा कोई विभाजक उपपद धर्म शब्द के साथ कभी भी नहीं लगा हुआ है। हर सभी भाषाओं को प्राण देता है, सभी भाषाओं को संगम देता है, सभी जातियों को उत्कृष्ट करता है, सभी राष्ट्रों का गौरव बढ़ाता है। अब तो भले हिंदी वाले संकोच करते हों, परंतु पहले हिंदी के विद्वान दूसरी भाषाओं में जो ज्ञान विज्ञान की उन्नति हुई है उसको ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हमें ज्ञान चाहिए, हमें विज्ञान चाहिए, हम केवल भाषा का दुराग्रह करके इतनी बड़ी ज्ञान संपदा से वंचित रह जाए, इस तरह की संकीर्ण वृत्ति हमारे देश के विद्वानों में नहीं थी। सभी भाषाएं उन्नत हों, सभी भाषाओं में धर्म का गुण रूप प्रकट हो, जैसे राजनीतिक पार्टियां अलग अलग होने पर भी सबका उद्देश्य राष्ट्र का हित होता है और नहीं होता है तो होना चाहिए। अपने अपने गुट के लिए अपने अपने पारंपरिक आचार के लिए दूसरों का विरोध करना उचित नहीं है, इतने ही कथा पर बात करेंगे अनुचित है। चौदना लक्षणों को धर्म चाहे पूर्व मीमांसा का हो चाहे जतो हृदय निश्रेष सिद्धि से धर्म वैशेषिक दर्शन का हो। हमारे आचार्यों ने पदार्थ के धर्म के रूप में धर्म का निरूपण किया है। पृथ्वी का धर्म है, जल का धर्म है, अग्नि का धर्म है, वायु का धर्म है प्राणम, जल का धर्म है आप्यायन, पृथ्वी का धर्म है धारण। जैसे ये स्वभाव से प्राकृत रूप से अपने धर्म को धारण करते हैं, वैसे मानव जाति का धर्म है धारण, धारणार्थ धर्म। धरति अस्मान इति धर्म, ध्रियते अस्माभिः इति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता
अस्माभि रक्षिता धर्मा अस्मान रक्षति। धर्मा पूर्ण गमन न्याय स्वभावाचार स्वभाव, ये जो धारण शक्ति है धर्म की, इसके संबंध में शास्त्रों में धर्म का निरूपण, परंतु क्या धर्म का जो निरूपण है वो केवल हिंदुओं के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है? ऐसा यदि आप मानते हैं तो धर्म शास्त्र का रहस्य नहीं समझते। मनुस्मृति के अनुसार ही क्षत्रिय वर्ण के लोग संपूर्ण विश्व में फैल गए और वहां कर्मकांडी पुरोहित न मिलने के कारण यज्ञोपवीतादि से रहित हो गए और खाद्याखाद्य स्पृश्यास्पृश्य कर्तव्याकर्तव्य आदि का जैसा विवेक यहाँ ब्राह्मणों के संपर्क से रह गया वैसा दूसरे देशों में नहीं रहा। शनक स्तुप्रिया लोपा इमा क्षत्रिय जातयः कुशलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च, उसमें चीना शबर करकरा ये सब नाम आए हैं कि ये सब हमारे ही क्षत्रिय हैं जो सारे विश्व में फैले हुए हैं। ब्राह्मणा दर्शन इसी से मनु जी ने ये विधान किया, एतत् देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवा। सारी पृथ्वी, पृथ्वी माता, पुत्र हम पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी के सर्व मानव यहां से अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। अथर्ववेद में बहु धर्मानो युवाचसा, भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म मानने वाले होते हैं और उनकी भाषा भी भिन्न भिन्न होती है। बहु धर्माणो विवाचसा, महाभारत में भीष्म पितामह ने मंगलाचरण किया धर्म के संबंध में, यम पृथक धर्म चरणा पृथक धर्म फलैषिणा पृथक धर्मै समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः। उस धर्मात्मा को, धर्म के आत्मा परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जिसको पृथक पृथक धर्माचरण के द्वारा, पृथक पृथक धर्म फल की इच्छा रखने वाले, पृथक पृथक धर्म की रीति से उपासना जिसकी करते हैं, उस धर्मात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो जो उदार दृष्टि उदीर्ण वसुधैव कुटुंबकम वाली जो दृष्टि है, वो हमारे संस्कृत के विद्वानों ने वो संपूर्ण रूप से पाली है। जितना भी विद्या स्थान अथवा धर्म स्थान है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र सौ अंग वेद के और स्वयं वेद, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रता वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश, वो उदीर्ण दृष्टि जो हमारे
वेदों में है, उपनिषदों में है, जो हमारे शैव सूत्रों में है, वो उदीर दृष्टि जो हमारे दर्शनों में है, इतिहासों में है, पुराणों में है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित। हम संस्कृत भाषा के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, हमने ईश्वर के संबंध में, धर्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में बहुत ज्ञान इन्हीं भाषाओं से प्राप्त किया है, इसी नागरी के द्वारा, इसी हिंदी के द्वारा। ये हिंदी शब्द भी बहुत प्राचीन नहीं है, पहले तो जिंदावस्था में, सबसे पुराना जिंदावस्था में हिंद से व्यास आए, ये उल्लेख करता है। और उसके बाद भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को हिंदी कहते थे, हिंदी। पहले हिंदी भाषा के लिए नहीं बोलते थे, पहले हिंदी यहाँ की प्रजा के लिए, जनता के लिए बोलते थे, ये हिंदी है। तो इतना उदार दृष्टिकोण, जो केवल उत्तर प्रदेश के लिए न हो, केवल भारतवर्ष के लिए न हो, केवल एशिया के लिए न हो, हमने तो जो भूगोल का धर्मकोश के रक्षक तो आप लोग। अच्छा, तो ये जो धर्म का निरूपण है, ये केवल वाचनिक है, सो बात नहीं है। इसका मूल आधार है, पहले ऋषि लोग धर्म दृष्टा पूरा करते थे, धर्म दृष्टा रहा ऋषयो धर्म दृष्टा रहा बहु, धर्म के दृष्टा होते थे ऋषि लोग। परंतु दृष्टा तो जो दृश्य के संबंध से विनिर्मुक्त है, सो होता है, उसका दर्शन शुद्ध होता है। यदि हम अंतःकरण शुद्ध करके और आत्मदृष्टि से विश्व को देखें, तो ये जो धर्म का निरूपण है शास्त्रों में, एक उसका नमूना आपको सुनाता हूं। आत्मा परमात्मा सत रूप है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मान्य ही है। तो सत्य का अर्थ होता है जीवन, अस्ति। अब इसमें से धर्म निकलता है, आप जिए और दूसरों को जिलाएं, ये सत्य में से निकला हुआ धर्म है। किसी स्वयं मरने को डरे नहीं और दूसरे को मरने को डराए, क्योंकि हम सद्रूप हैं, इसलिए मेरे लिए दूसरे के लिए मृत्यु का भय नहीं है और हमारा जीवन सर्वदा चलता रहे। अब जीवन के लिए जो भी अपेक्षित है, अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, उनको देना लेना, सबको पहुंचाना, ये धर्म का अंग हो जाता है। आत्मा का स्वरूप चित्त या इसमें से निकलता है, किसी को अज्ञानी बनावे नहीं, स्वयं अज्ञानी रहे नहीं,
दूसरों को ज्ञान दान करें और स्वयं ज्ञान संपन्न रहे। ये हमारा स्वरूप भूत धर्म है कि हमारे विद्यालय हो, हमारे सत्संग भवन हो, लौकिक पारलौकिक अलौकिक सभी विद्याओं को हम प्राप्त करें। ये धर्म का निरूपण केवल दार्शनिक नहीं है, ये अनुभव सिद्ध है और ऋषियों को इसका दर्शन होता है। हमारा स्वरूप है परम प्रेमास्पद आत्मा आनंद, और हमारा धर्म है स्वयं दुखी न हो। हम आनंद स्वरूप रह करके दुखी क्यों हो? हमारा धर्म है दूसरे को दुखी न करें, हमारा धर्म है सबको सुखी रखें और स्वयं सुखी हो। चार चार धारा, सत में से चार, चित में से चार, आनंद में, और ये सत चित आनंद एक है, अभेद। इसलिए परस्पर हम लोग टूटे नहीं, तोड़े नहीं, मिले और मिला के रहे। ये चार धर्म हमारे अभेद में से निकलते हैं। श्लोक पढ़ लेते हैं, ऐसे तो महाभाष्यकार तो कहते ही हैं, किंभो श्लोका प्रमाण, या श्लोक में लिख जाने से कोई बात प्रामाणिक हो जाती है। अभयम प्रतिष्ठां विन्दते जनक अभयम गतोसी, अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। तत्व ज्ञान होते ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। परा विद्या पर्यंत मृत्यु का भय तो केवल दैहिक है, आत्मिक दृष्टि से मृत्यु का कोई भय नहीं है। अमरामर अमरा अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम चिंतये गृहीत योगेशेषु मृत्युना धर्माचरे, धर्माचरण से इन्हें प्रवृत्त करने के लिए मृत्यु का भय है और निरंतर धर्माचरण करने के लिए अभय है। हमारा ये उदाहरण दृष्टांत देने का अभिप्राय ये था कि ये धर्म के जितने भी विभाग हैं हमारे दर्शन के साथ मिलते हुए हैं और दर्शन के अनुकूल हैं। हमारे सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ज्ञानमानंदम ब्रह्म के साथ ये मिलते हैं। कहाँ है ऐसी पूर्णता, किस ग्रंथ में, किस जाति में, किस मजहब में, किस प्रदेश में, किस देश में, जहां अपने आत्मा का सच्चिदानंद अद्वैत के रूप में निरूपण किया गया हो। वो दृष्टि ऋग्वेद देता है, संगच्छध्वं सामवदध्वं समवो मनांसि जानताम्। वो दृष्टि अथर्व देता है, सहृदयम साम्मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि महा अन्यो अन्यम अभिहर्यत जातम तत्समिवागमः। धर्म का वेदो फिरो धर्म मूलम मंत्र ब्राह्मण आरण्य इनके अंतर्गत उपनिषद ये सब धर्म के मूल हैं। और स्मृति शीले च तद विदाम, इतनी उदार दृष्टि हमारी भारतीय दृष्टि, भारतीय ऋषियों की दृष्टि यही है। क्षार सागर से परिवेष्टित जितना भी भूभाग है, आप उसका नाम अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो,
जो रखो, नाम भेद से हमारा मतलब नहीं है। हमारा अभिप्राय तो क्षार सागर से परिवेष्टित भूमि भाग के रूप में है, वो सब है हमारा। जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत वर्ष, भारत द्वीप, अयम तो नवमस्तेषाम द्वीप सागर संवृता, मत्स्य पुराण ने बताया। और जम्बू द्वीप के सूक्ष्म भाग दृश्य नहीं है, और स्थूल भाग जितना भी दृश्य है वो सब का सब भारत वर्ष है। हमारे पंडित लोग जब संकल्प करते हैं वो भारत वर्ष है, भारत खंडे बोलते हैं। ये भारत वर्ष का एक खंड है, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय पर्यंत, ये भारत वर्ष का एक खंड है। इसलिए प्रशासन की दृष्टि से भले ही पृथकता हुई हो, भूमि की दृष्टि से कभी हमारी धर्मानुकूल या स्वरूप दृष्टि के अनुकूल कभी पृथकता नहीं हुई है। हमारा धर्म चरित्र की पवित्रता की शिक्षा देता है, हमारा धर्म इंद्रियों के संयम की शिक्षा देता है, हमारा हृदय, हमारा धर्म स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् धायन्तु भूतानि नेता शिवम दिया। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, हमारे हमारे बुद्धि को विवेक, कौन ऐसा धर्म है सत्य में जो बुद्धि को इतनी छूट देता है? कहां स्वतंत्र दर्शन है? नारायण हम स्पष्ट रूप से आपसे बोलते हैं, गीता में बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलभूत, बुद्धि की शरण, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, बुद्धिमान पुरुष पाप पूर्ण से मुक्त हो जाता है। बुद्धि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तत्वा मनीषिणा, बुद्धिमान पुरुष कर्मज फल सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते जदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि, एक व्यवसाय आत्मिक बुद्धि का बदला है। कहीं किसी धर्म ग्रंथ में, मजहबी ग्रंथ जो छोटे 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 मजहबी ग्रंथ हैं, जो केवल श्रद्धा विश्वास के बल पर चलते हैं, वहां है कहीं स्वच्छंद बुद्धि के विचरण के लिए स्थान? ये हमारा वैदिक धर्म सार्वभौम है, इसमें देश कालानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, देश कालानवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत का वर्णन है। हिंदी के विद्वानों की दृष्टि, हमारा रामचरित मानस, हमारी विनय पत्रिका, हमारे सूरदास आधुनिक ग्रंथों में रामायणी, ये क्या किसी संकीर्ण दृष्टिकोण से लिखे गए? वही उदार दृष्टि जो हमारे पूर्वजों में थी, हमारे पूर्व विद्वानों में थी, हमारे गुरुजनों में थी, वही दृष्टि हमारी भाषा नागरी में रहे, पहले से है और बढ़े, ये भाषा कहीं प्रांतीय ना हो जाए, ये कहीं जाति विशेष की भाषा ना हो जाए,
ये कहीं मजहब की भाषा ना हो जाए, ये कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के झगड़े में विवाद में न पड़ जाए, ये सब दृष्टिकोण रख करके हमारी भाषा की उन्नति हो और हमारी भाषा में बिना संकोच के निसंकोच ईश्वर का, धर्म का, सदाचार का, सामाजिक, राजनीतिक, लौकिक लौकिक उन्नति हो। जया कयाचन विधया अन्नम बहुपूर्वित, हमारे पास अन्न बहुत होना चाहिए, प्रजया पशुभिर प्रजा बहुत होनी चाहिए, पशु बहुत होने चाहिए, हमारे पास धन संपदा बहुत होनी चाहिए। कहीं भी हमारे शास्त्रों में अर्थ का तिरस्कार नहीं है। चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है अर्थ, एक पुरुषार्थ है काम, दोनों को नियंत्रित करने वाला है धर्म, और फल के रूप में हमें परम स्वतंत्र मोक्ष देने वाला है धर्म। ऐसी है हमारी विद्या, ऐसा है हमारा देश, जिसको हीन दृष्टि से न देखें, इसमें जो उत्कर्ष भरा हुआ है, परम उत्कर्ष, निरतिशय निरुत्तर उत्कर्ष जो इसमें भरा हुआ है, वो हमारे जीवन में उतरे और सारी प्रजा का कल्याण करे। श्री रामचंद्र शुक्ल अज्ञान, उनका विज्ञान, उनकी सामाजिक दृष्टि सर्वोत्तम थी। आज उनके ग्रंथ के पुनः प्रकाशन के उपलक्ष्य में हमारे पांडेय जी ने सुधाकर रखा कर पांडेय जी ने उनको कहा, बड़े प्रेम से स्वीकार कर दिए। हम कहते हैं ऐसे ही और भी अनेक अनेक विद्या, विज्ञान, धर्म संबंधी ग्रंथ प्रकाशित हों, जिससे लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक सर्वविध उन्नति मानव जाति की हो, उसमें हम अपना योग दे सकें। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओ मानव धर्म में और भगवत धर्म में क्या पार्थक्य है? वैसे धर्म तो धर्म ही है, वो तो स्वरूप से एक है, परंतु जीव के पौरुष की प्रधानता से जो धर्म होता है, कर्मकांड पूर्व मीमांसा के अनुरूप, मानव धर्म के अनुरूप जो आचरण होता है उसको मानव धर्म कहते हैं, और भगवत तत्व की प्रधानता से, भगवत अनुग्रह की प्रधानता से जो धर्माचरण होता है उसको भागवत धर्म कहते हैं। गुरुमयी भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मदंडे अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धि भागवतान गीता। भगवता प्रोक्त, भगवता आत्म प्राप्त प्रोक्ता धर्मा भागवता धर्म। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जिन धर्मों का उपदेश स्वयं किया है उसका नाम भागवत धर्म है। यदि उसको भागवत धर्म न कहें, मानव धर्म कहें, तो अपने पौरुष से अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए जो शास्त्रोक्त धर्म है, कुछ सकाम है, कुछ निष्काम है, सकाम धर्म भी आत्मशुद्धि में हेतु देते हैं। देवत्व की प्राप्ति के जो भी शरीर का अंतःकरण का निर्माण होता है, और भागवत धर्म का संक्षिप्त रूप
ये है कि सर्वभूतानि मनसा प्रणमेत बहुमानय, सबके हृदय में भगवान है ये देखकर आप सबका सत्कार कीजिए। कायेन वाचा मनसा इंद्रिय बुद्धिया आत्मना वा नुसृत स्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बालक थे तो हमारे बाबा जो भोजन करने बैठते किसाना, तो वो हाथ में जल लेकर के भोजन के चारों ओर घुमाते और जल छोड़ देते, तो हमको भी 8-9 बरस की उम्र में ही ये आदत पड़ गई थी। देख देख के पाँव धो के पीढ़ी पर बैठ के चौके में खाते थे, कभी सिला हुआ कपड़ा पहन के घर में खाया हो या बिना हाथ मुंह धोए इसका स्मरण। तो शरीर से जो भी काम हो, काये न वाचा वाणी से जो बोले, मनसा इंद्रिय वा मन से इंद्रिय से जो भी अपने द्वारा कोई कार्य संपन्न हो वो भगवान को समर्पित करके। श्री वल्लभाचार्य जी ने तो ऐसे कह दिया, समर्प्य कुर्या कृत्वा वा समर्पय, समर्पण करके करे, और यदि पहले समर्पण न करे तो करके भी समर्पण कर दे। कृत्वा समर्पय समर्प्य कुर्या, तो अपने सारे कर्म को भगवान के प्रति समर्पण कर करने का जो धर्म है, माने तत्पदार्थ की प्रधानता से तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए, उसकी प्रसन्नता निर्मलता संपादन करने के लिए, और कौन पदार्थ का जो अंतकरण है उसकी शुद्धि के लिए, और कर्ता के स्वरूप को दिखाने के लिए। बीच में धर्म आता है, यदि धर्म न हो तो अंतकरण शुद्धि के लिए कोई साधन जीव के पास न रहे, वो वासनानुसारी ही रहेगा, शासनानुसारी नहीं होगा, शास्त्रानुसारी नहीं होगा। और यदि भगवान का अनुग्रह न हो तो भजनीय का स्वरूप क्या है इसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भागवत धर्म इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभिपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात संप्रकाशित। नारायण के हृदय में करुणा का उदय हुआ, देखा उनके नाभि कमल में ब्रह्मा है, और उन्होंने करुणा बस इस भागवत धर्म का संप्रकाशन किया। तो भागवत धर्म क्या हुआ, भगवता ब्रह्मणे प्रकाशितम, ये हुआ एक रूप। भगवता ही में भागवता भक्ता, भगवता आत्म प्राप्त प्रोक्ता भागवता धर्मा, भगवता प्रोक्तम शास्त्रम भागवतम इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात संप्रकाशितम भगवता संप्रकाशितम भागवतम, भगवता उपदिष्टा धर्मा भागवता। भागवत धर्म का दृष्टिकोण ये है, जैसा कि गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रेतात्मना। भगवान
अट्टा नहीं है, परंतु उपनिषदों में ब्रह्म सूत्रों में अट्टा के रूप में उनका वर्णन है, और वो अट्टा है चराचर अट्टा चराचर ग्रहणा यस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभय भवत बोधनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम्। तो भगवान का सब है, सब भगवान का भोग है, श्री भगवान की पत्नी है, भू देवी भगवान की पत्नी है, उन्हीं की भोग्या है, इसलिए त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय करके जो उसका उपयोग है उसका नाम भागवत धर्म है। और ये इसमें विशेषता और बहुत है, इसमें जो भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतान है, सबका इसमें अधिकार होता है। वर्णाश्रम धर्म में वर्ण धर्म के आश्रम धर्म के पृथक पृथक अधिकारी होते हैं, संध्यावंदन गायत्री जप आदि में पृथक पृथक अधिकारी होते हैं, परंतु ये भागवत धर्म अहं के जोनि अधिक्रियते पारंपर्या सामान्यम स्वादोपि सत्यः सवनाय कल्पते। स्वपाक भी स्वपच भी यदि इस धर्म का अनुष्ठान करे तो सद्यः सवनाय सवन फलाय सवनम विनैव सवन फलाय, उसको यज्ञ करना नहीं पड़ता द्विजातियों के समान, द्विजातियों के समान यज्ञ किए बिना ही वो यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्ञ वाग्रे वर्तते नाम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। नामोच्चारण का बड़ा भारी महात्म्य है भागवत धर्म में, दुराचारी भी भागवत धर्म में। एक बार प्रयागराज में सभा हो रही थी, जो वाजपेयी जी वहां के चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के, उमाशंकर गिरिजा शंकर नाम था वाजपेयी जी, उनके सभापतित्व में सभा हो। तो एक ने कहा कि पहले हृदय शुद्ध हो तब नाम जपने से लाभ होगा। तो पूछा कि फिर हृदय शुद्ध कैसे हो? अरे हृदय चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, नाम जप प्रारंभ करो अशुचिर वा शुचिर वापी सर्वावस्थांगतो पिबा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम भगवान के स्मरण में अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भार। दुराचारी का भी अधिकार है, वो सदाचारी हो जाएगा। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा हीन जाति का भी अधिकार है, तुम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या। ये भागवत धर्म है जिसमें सब जाति का अधिकार है, सब प्रकार के कर्म करने वालों का अधिकार है, सब प्रकार के वस्तुओं के द्वारा भगवान की पूजा हो सकती है। तो ये भागवत धर्म की विशेषता है। यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, जो संपूर्ण जगत का प्रेरक है। यत प्रवृत्तिर्भूताना निमित्त कारण है, और येन सर्वमिदं ततः जो संपूर्ण जगत का उपादान कारण अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उसके लिए वस्तुतः सर्व वस्तु भगवत स्वरूप है, वस्तुतः सब जीव भगवान के अंश हैं, भक्त हैं, और वस्तुतः सर्वत्र व्यापक है और सार्वकालिक है परमात्मा। अक्रूरे क्रूर के चैव समदृत पंडितो मता, ऐसा ये श्रीमद् भागवत धर्म है। ओम शांति।